केदारनाथ धाम में भारत के दूसरे धामों के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग आते हैं। हालांकि उसमें से ज्यादातर लोग वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और रील्स बनाने के लिए आते हैं। कई लोग केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में मंदिर को बचाने वाले भीमशिला की बात करते हैं, कई उसके वीडियोस दिखाते हैं, मगर कोई भी यहां से गायब हुए उन 5 चमत्कारी कुंडों की बात नहीं करता जो एक भयंकर आपदा के बाद यहां से गायब हो गए। जी हां, वो 5 प्राकृतिक कुंड जो केदारनाथ आपदा के समय बहुत ही रहस्यमय तरीके से यहां से गायब हो गए थे। ये कुंड हजारों साल पुराने थे। इनकी खोज वैज्ञानिकों ने भी बहुत बार की, लेकिन ये कुंड उनको भी अभी तक नहीं मिल पाए। आखिर कहां गए ये कुंड और क्या है इसके पीछे रहस्य, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में आई प्राकृतिक आपदा के वक्त एक झटके में यहां बने कुंड गायब हो गए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ को 5 पर्वतों, 5 नदी धाराओं और 5 कुंडों की भूमि कहा जाता है। 2013 में आई भीषण आपदा में यहां से जो 5 कुंड गायब हो गए थे उनके नाम हैं रेतस कुंड, हंस कुंड, पवन कुंड, उदक कुंड और अमृत कुंड। इन पवित्र और रहस्यमय कुंडों में केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। काफी खोजबीन के बाद उदक और अमृत कुंड के कुछ हिस्से तो दिखाई दिए, लेकिन वो भी मूल स्वरूप में नहीं थे। केदारनाथ मंदिर और उन कुंडों का आपस में सीधा संबंध है। केदारनाथ के उन कुंडों की अपनी एक अलग महिमा है। रेतस कुंड के पास भगवान शिव का नाम जपने से पानी में बुलबुले उठते थे और अमृत कुंड के पानी को लोग शुद्धता के लिए प्रयोग करते थे। उदक कुंड में शिवलिंग में चढ़ाया जाने वाला जल जमा होता था जिसे लोग प्रसाद के तौर पर लाते थे। और आपदा में गायब हुए हंस कुंड के बारे में कई जानकारी सामने आती है। केदार खंड में कहा गया है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया था। इस स्थान पर पितरों को तर्पण और अस्थि विसर्जन किया जाता है। इस स्थान को लेकर एक खास मान्यता ये भी है कि यहाँ पर मृत व्यक्ति की अस्थि विसर्जन और जीवन कुंड को विसर्जित करने पे उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। ये कुंड केदारनाथ की दाई दिशा में करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन अब केदारनाथ में आए श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण हंस कुंड में नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धालुओं को मंदाकिनी नदी के किनारे ही तर्पण और कर्मकांड करना पड़ता है और हंस कुंड की तरह ही हवन कुंड का अपना एक अलग महत्व है। ये कुंड मंदिर के ठीक सामने मौजूद था और तबाही के चलते ये गायब हो गया और अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इन 5 कुंडों में से 3 चमत्कारी कुंड आज भी गायब है। वैज्ञानिकों ने इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो सिर्फ नाकाम रहे। आखिर कहां गए वो चमत्कारी कुंड, आखिर वो क्यों गायब हो गए, क्या उनके गायब होने के पीछे भविष्य में होने वाली कोई आपदा का संकेत है या कुछ और, आखिर क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।